मोड़ने वाली गुफा। एक जंगल में खनखर नामक शेर रहता था। एक दिन वह शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गया। शाम हो चुकी थी, कोई शिकार हाथ नहीं लगा था। ऊपर से वह थक कर चूर हो चुका था। तभी उसे एक गुफा दिखाई पड़ी, वह गुफा के अंदर चला गया। गुफा खाली थी। शेर ने सोचा, अवश्य यहाँ रहने वाला जानवर बाहर गया है, रात होते होते वह गुफा में वापस जरूर आएगा। ऐसा करता हूँ, तब तक यहीं छुपकर बैठता हूँ, जब वह जानवर आएगा तो उसे मारकर खा जाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। वह गुफा में एक कोने में छुपकर बैठ गया। वह गुफा दक्षिण कुछ नामक बीगर जैकल की थी। जब वह लौट कर आया और गुफा के पास पहुंचा तो देखा कि शेर के पंजों के निशान उसकी गुफा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन बाहर आते हुए पंजों के निशान उसे दिखाई नहीं पड़े। वह समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर गया है। उसे ये भी संदेह था कि वह अपनी अंदर ही बैठा हुआ है। ये पता लगाने की शेर गुफा में बैठा है या नहीं, उसे एक युक्ति निकाली। गुफा के द्वार पर खड़ा होकर वह तेज आवाज में बोला, मित्र मैं वापस आ गया हूँ। तुमने कहा था कि मेरे वापस आने पर तुम मेरा स्वागत करोगे, लेकिन तुम कुछ चुप हो, क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। जब गीजर की आवाज शेर के कानों में पहुंची तो उसने सोचा कि ये गुफा अवश्य गीजर के आने पर उसका स्वागत करते हुए कुछ कहती है। शायद मेरे यहाँ होने के कारण आज ये चुप है। अगर गुफा कुछ न बोली तो कहीं गीबर को संदेह न हो जाए और वह वापस न चला जाए। इसलिए वह गरज कर बोला, आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है, जल्दी अंदर आओ। शेर की गरज सुनकर गीबर डर गया, वह उसे पैर वहाँ से भाग गया। इधर शेर बहुत देर तक गीबर ने अंदर आने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अंत में उसे समझ आ गया कि गीबर उसे मूर्ख बनाकर भाग गया है। शेर को अपनी मूर्खता पर बहुत क्रोध आया, किंतु अब वह क्या करता, शिकार उसके हाथ से निकल चुका था। सीख, भविष्य के संकट को भांप कर जो बचने की युक्ति निकाल ले वह बुद्धिमान होता है।